you mm -hmm. डमी आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें मैं आपको कुछ सेट थेरी के बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगी तो जितनी भी टर्म्स मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी वो आपके पूरे डिस्क्रिक्ट मैथेमेटिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगी अगर ये टर्म्स आपको नहीं पता है तो आपको कुछ भी डिस्क्रिक्ट समझ में नहीं आएगा ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ठीक है थीके? तो सबसे पहले मैं बताऊँगी कि सेट थेरी होता क्या है सेट थेरी मैथामेटिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पे हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं और कुछ ऑपरेशंस को स्टडी करते हैं ठीक है तो जो सेट्स हैं वो हम लॉजिक डिवीजन ऑफ मैथमेटिक्स के अंडर स्टडी करते हैं जैसे कुछ ऑपरेशन यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह है वो हम इस पर करते हैं जो हम आगे आ, दूसरे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे सिंपली अगर सेट को हम डिफाइन करेंगे तो सेट है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ठीक है अब कुछ वर्ड्स हैं जो सेट के साथ साइना यूज़ करते हैं जैसे क्लासेज एग्रीगेट वर्ड्स कलेक्शन ये सारे वर्ड्स जो है ये सेम ही हैं चाहे सेट लिखो एग्रीगेट लिखो क्लास लिखो वर्ड कलेक्शन लिखो ये सब सेम मीनिंग है तो अब सेकेंड हमारे पास आता है एलिमेंट मेंबर ऑब्जेक्ट्स ये तीन जो वर्ड्स है ये सैनोनीम्स हैं ठीक है थीके? तो मेंबर्स का मतलब होता है कि सेट में कौन कौन से सेट सेट में जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं सेट में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको हम बोलते हैं उसके मेंबर्स जो ऑब्जेक्ट बोलो मेंबर बोलो एलिमेंट बोलो बात सेम ही है ये सारे साइनोनियम है ये आपको यूज़ होंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अब फटाफट से हम हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी तो अगर हम सेट थ्री का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो सबसे पहले ये एटीन में दिया था किसने जॉर्ज कैंटोर ने उसने अपने एक पेपर में इसके बारे में डिस्कस किया था प्रॉपर्टी कलेक्शन ऑफ ऑल रियल अल्जाब्रिक नंबर्स तो इसका कॉन्सेप्ट बाद में बाकी मैथेमेटिशंस ने भी यूज़ किया था जैसे किल जैसे क्लिन इंसाइक्लोपीडिया जो है या रोसिल पैराडॉक्स जो है उसमें यूज किया था इसका कॉन्सेप्ट तो सेट थेरी की अगर हम बात करेंगे ना अगर हमें टोपोलॉजी के बारे में अंडरस्टैंड करना है या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में या हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए बेसिक जो फाउंडेशन है ना वो क्या है हमारी सेट थ्योरी सेट थ्योरी के बिना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है अधूरा है या टोपोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सब क्या है अधूरा है तो ये टर्म्स आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो सेट ऑब्जेक्ट ये सब चीजें किसको बोलते हैं क्योंकि फर्दर में अपने लेक्चर में डायरेक्टली यही टर्म्स यूज करेंगे तब कन्फ्यूज हो जाओगे अगर पता नहीं होगा कि ये चीज़ें हैं क्या तो सबसे पहले देखते हैं सेट की डेफिनेशन सेट का मतलब सिंपली क्या है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है ठीक है तो सेकंड सेट जो है उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं जैसे हम बोलेंगे अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं आपको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करवाती हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को मैं किससे एक्सप्लेन करूँगी एक कैपिटल नंबर से दैट इज कैपिटल नंबर कैसे कैपिटल सॉरी अल्फ़ाबेट से दैट इज एन तो एन इज इक्वल टू फिर ब्रेसिस में मैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लिख रही हूँ तो ये इन्फिनाइट सेट हो गया यहाँ पे इन्फिनाइट क्यों यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे डिफाइन नहीं है यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है तो नेचुरल नंबर्स इन्फिनिटी तक है अब मैं एलिमेंट्स ऑफ सेट बोलूंगी क्या होते हैं ठीक है थीके? तो वो ऑब्जेक्ट्स जो सेट में प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट इसको भी मैं आपको फर्दर फिर से एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करवाऊंगी देखो फॉर एग्जाम्पल हम हमने ऊपर अभी देखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स के सेट में हमने वन टू थ्री फोर अप टू इन्फिनिटी देखा तो जो ये वन टू थ्री फोर ये सब चीजें हैं इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ठीक है क्या बोलते हैं एलिमेंट्स जो पूरा हमने बोला नेचुरल नंबर वो होता है सेट अब जो इसके बीच में एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर में क्या आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अप टू इन्फिनिटी वो वन टू थ्री फोर जो है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द नेचुरल सेट ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया बात अब अब हम अगर लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल वन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन तो हम इसके लिए क्या सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं वन और फिर ई एंड एंड एन कैपिटल इसका मतलब क्या होता है वन बिलोंग्स टू सेट एन अब हम बोलेंगे कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट किसको बोलते हैं तो कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने एक सेट में पाए जाते हैं कितने एक सेट में है उसको हम क्या बोलेंगे कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टर्म्स ये बहुत ही बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है तो इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करवाती हूँ मैं आपको सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई सेट सेट uh, है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स पी और मुझे दिया गया है प्राइम नंबर्स में लेट इट बी द फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर्स तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पी इज इक्वल टू टू थ्री फाइव सेवन अलेवन पहले पांच नंबर्स यही हैं तो ये पहले पांच नंबर्स इसमें कितने नंबर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए फाइव टू थ्री फाइव सेवन अलेवन पाँच एलिमेंट्स है तो ये पाँच इसका क्या हुआ यही होता है कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट तो इसका मतलब कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट पी क्या होगा फाइव और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एन ब्रेसिस में पी या कैपिटल पी ये इसका सिंबल है अब एग्जांपल ऑफ सेट अब सेट की हम एग्जांपल देते हैं फिर से बार बार ये बोल चुकी हूँ कि सेट क्या है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ठीक है चाहे वो वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो ठीक है तो अब हम बोलेंगे जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट्स इसमें पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं मेम्बर्स ऑफ आवर सेट ठीक है अब देखो इनको मैं कुछ और एग्जाम्पल्स से आपको फर्दर एग्जाम्पल्स देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरह से अंडरस्टैंड हो जाए देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वो रिप्रेजेंट करते हैं एन से हमेशा कैपिटल एन से तो उसमें क्या आएगा वन टू थ्री फोर आप टू डॉट 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 का मतलब इन्फिनिटी सेकेंड सेट ऑफ इवन नंबर्स इवन नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं किसे कैपिटल ई e से ठीक है हमेशा कैपिटल लेटर से तो इवन नंबर्स कितने हैं टू फोर सिक्स ए ट्वेल्व फोर्टीन ये भी अप टू इन्फिनिटी हैं तभी हमने डॉट डॉट रिप्रेजेंट किया अब देखते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट कैपिटल पी से तो प्राइम नंबर्स कौन से हैं टू थ्री फाइव सेवन अलेवन ये भी अप टू इन्फिनिटी बहुत सारे हैं तो हमने डॉट डॉट रिप्रेजेंट किया डॉट डॉट का मतलब ये फाइनाइट नहीं है इन्फिटी है चलता जा रहा आगे सेट ऑफ इंटीजर्स इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें क्या आएगा तमाम नगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स दैट मीन्स नेगेटिव साइड से भी इन्फिनिटी माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू एंड पॉजिटिव साइड से भी इंफिनिटी तभी दूसरी साइड से हमने डॉट्स रिप्रेजेंट किए अब कुछ हम स्टैंडर्ड सेट्स बोलेंगे जो

ठीक है अब हो गया सेट ऑफ़ रैशनल नंबर्स तो सेट ऑफ़ रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कैपिटल क्यू से ठीक है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि यही सिंबल्स आगे मैं यूज़ कर करने वाली हूँ अपने सारे सेट ठेरी में वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे ये जेड प्यू क्या है ठीक है तभी आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करवाना बहुत ज़रूरी है सेट ऑफ़ इरेशनल नंबर्स जो है वो रिप्रेजेंट किससे करते हैं कैपिटल पी से एंड लास्ट पर सेट ऑफ रियल नंबर्स हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं आर से ये हो गया हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स इसकी स्टैंडर्ड सेट्स जो हम सेट थ्री में यूज करते हैं अब देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट सेट को हम दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पहला फॉर्म जो हमारे पास है दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज अ रोस्टर फॉर्म देखो रोस्टर फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके सेट में उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं करली uh, ब्रेसेस में और हर एक एलिमेंट को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉमा ठीक है हर एक एलिमेंट को हम कैसे सेपरेट करेंगे कॉमा की मदद से जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल सेट है सेट ऑफ फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर्स फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर्स तो हम कैसे लिखेंगे इसको p इज इक्वल टू क्यू कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं पी इज इक्वल टू अब मैंने यहाँ पे कर ली ब्रेक ब्रैकेट डाला फिर लिखा मैंने पहले पांच प्राइम नंबर्स टू थ्री फाइव सेवन अलेवन और हर एक प्राइम नंबर्स के बीच में देखो मैंने कामा डाला है तो ये इसका मतलब क्या है ये क्या है हमारे पास दैट इज रोस्टो फॉर्म और अगर ये इंफिनिटी सेट होता तो वहां पर हम क्या करते अलेवन के आगे क्या करती कामा uh, फिर डॉट 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 तो वहां पे हमारे पास होता सेट uh, uh, पे हमें नहीं होता, फिर numbers, यहां होता नहीं, तो ये हम तो है हमारे पास कौन सा रोस्टर फॉर्म जो हम रिप्रेजेंट करते हैं कर ब्रेसेस में और हर एलिमेंट्स को सेपरेट विद कॉमास करते हैं अब सेकेंड हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि हमारे सेट में कभी भी कोई भी एलिमेंट डुप्लीकेट नहीं होता है इसको भी मैं एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करवाती हूँ सपोज मेरे पास ए है सेट ऑफ एलिमेंट सेट ऑफ लेटर्स जिसमें ट्री लिखा है टी आर ई अब आपको इसको रिप्रेजेंट करता है रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले क्या रखोगे कैपिटल लेटर uh, से सेट ए इज इक्वल टू ठीक है उसके बाद कल ई स्टार्ट और उसमें टी कमा आर कमा ई आपके पास दो ई थे लेकिन आपने सिर्फ एक ई लिखा है टी आर ई मैंने बोला दो एलिमेंट्स जो है वो अगर ई दस बार भी होगा आपको सिर्फ एक बार लिखना है तो दैट मीन्स करेक्ट होगा टी आर ई और कल ब्रेसिस बंद तो दूसरा अगर आप लिखोगे टी आर ई दो बार तो ये इसका करेक्ट फॉर्म नहीं होगा अब आपको समझ में आ गया होगा डुप्लीकेट एलिमेंट्स हम नहीं लिखते सेकंड फॉर्म है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में हम सिंपली क्या करते हैं यहाँ पे हम मैथमेटिकली सिम यहाँ पे हम इंग्लिश में लिखते हैं मतलब कुछ कॉमन करैक्टरिस्टिक्स एलिमेंट्स के लिखते हैं सिंपली डायरेक्टली बेसिस में जैसे अब देखो डायरेक्टली बेसिस में क्या वहाँ पर हमने वन टू थ्री फोर कुछ एलिमेंट्स लिखे थे यहाँ पर हम एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं डायरेक्टली उनको क्या करते हैं डिस्क्राइब करते हैं कुछ उसके करैक्टरिस्टिक्स लिखते हैं इसको भी मैं एग्जाम्पल से आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ सपोज मेरे पास है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन आर इक्वल टू टेन तो इसको देखो set, uh, builder form में कैसे represent करेंगे इक्वल टू फिर कल से स्टार्ट पी एंड दो डॉट्स फिर पी इज प्राइम नंबर यहां पे निशान डाला है दैट इज लेस देन आर इक्वल टू टेन अब मैंने यहां पे एक क्या लिखा है सेंटेंस टाइप तो इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म अब हमारे पास टाइप ऑफ सेट सेट के भी कुछ टाइप्स होते हैं पहला टाइप हमारे पास है एम सेट नाम से पता चल रहा है एम सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है इसको रिप्रेजेंट हम फाइव से करते हैं या हम रिप्रेजेंट ली ब्रेसेस से करते हैं दो ब्रेसेस एम्प्टी ब्रेसेस उस ब्रेसेस में कुछ भी नहीं होगा ठीक है तो ये है हमारे पास कौन सा से सेट एम्प्टी सेट ये सेट्स मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये मैंने पहले ही बोला ये बहुत बेसिक है आपके पूरे जो ये आपका सेट हेरी है जो आपका डिस्क्रीट मैटम जैसे हर जगह मैं ये टर्म्स यूज़ करूँगी तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे तभी आपको ये पता होना चाहिए एग्जाम्पल जैसे एक्स बिलोंग्स टू तो नेचुरल नंबर एंड टू इज़ लेस देन टू जो एक्स जो है वो टू से छोटा है लेकिन टू से बड़ा है लेकिन थ्री से छोटा है अब टू से बड़ा थ्री से छोटा दैट मीन्स यहाँ पे टू और थ्री के बिटवीन कोई नंबर नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या सेट है एम सेट सेकेंड हमारे पास है सिंगल टोन सेट सिंगल टोन सेट में क्या होता है सिर्फ एक एलिमेंट पाया जाता है सेट में एक एलिमेंट कैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेट है बी बी इज इक्वल टू ठीक है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पहले ही हमने बोला एक्स क्या है यहाँ नेचुरल नंबर और एक्स किस टू से बड़ा है लेकिन फोर से छोटा है अब टू और फोर के बिटवीन क्या है थ्री दैट मीन इसमें सिर्फ एक एलिमेंट पाया जाता है दैट इज थ्री तो ये है सिंगल टॉन सेट थर्ड हमारे पास फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें टोटल नंबर अब जितने आपके एलिमेंट्स हैं वो आपको डिफाइन किए गए हैं जैसे एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन टेन मैंने बताया एक्स एक ऐसा इवन नंबर है जो टेन से छोटा है ठीक है तो टेन से छोटे जितने नंबर हैं वो इसमें आप लिखोगे कौन कौन से टू फोर सिक्स एट तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी ए इज इक्वल टू टू का फोर का सिक्स का एट तो इसमें चार एलिमेंट्स ये फाइनाइट सेट आपको वहीं से बोला है ठीक है अब आता है आपका इन्फिनाइट सेट इन्फिनाइट सेट वो नंबर वो सेट होता है जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके इंफिनिटी होते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया ए कोई सेट है सपोज ए इज इक्वल टू एक्स इज़ एन इवन नंबर एक्स क्या है एक इवन नंबर अब इवन नंबर इसने बोला तो नहीं है टेन से छोटा है ट्वेल्व से छोटा है किस से इससे बोला ये इवन नंबर है तो इवन नंबर्स कितने हैं बहुत सारे इवन नंबर्स है टू फोर सिक्स एट टेन तो ये सारे क्या है इन्फिनी सेट है अब आता है इक्वेलेंट सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स वो दो नंबर दो सेट्स तब इक्विवेलेंट होते हैं अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे सेम होंगे सपोज मेरे पास दो सेट्स है ए और बी ए मानती हूँ मैं ए इट इज़ एन इवन नंबर अप टू टेन एंड बी मानती हूँ इट्स आर्ड नंबर लेस देन टेन तो पहला जो सेट है हमारे पास उसमें कौन कौन से आएंगे इवन नंबर टेन से छोटे कौन से हैं टू फोर सिक्स एट और टेन ठीक है तो बी से जो सेकेंड uh, सेट जो है हमारा बी उसमें और नंबर्स वो है लेस देन टेन वो कौन से हैं वन थ्री फाइव सेवन नाइन ठीक है ये दो सेट्स से हैं पहला क्या है टू फोर सिक्स एट और टेन दूसरा क्या है वन थ्री फाइव सेवन नाइन तो पहले सेट में कितने एलिमेंट्स आए पांच एलिमेंट कॉर्डिनल नंबर क्या है पांच दूसरे में भी पांच तो दैट मीन्स ये दोनों सेट्स आपस में क्या है एक वे वैलेंट सिक्स सिक्स हमारे पास है इक्वल सेट्स इक्वल सेट्स कौन से देखो आप कंफ्यूज नहीं होना पैलेंट और इक्वल में डिफरेंस है इक्वल सेट्स वो सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और जो एलिमेंट्स बीच में लिखे गए हैं वो भी सेम हो ऑर्डर सेम जरूरी नहीं है देखो मैं एग्जाम्पल बोलती हूँ इसमें फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो सेट्स हैं ए और बी ए में एलिमेंट है टू फोर सिक्स एट बी में है एट फोर सिक्स टू दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं फोर एंड फोर पहले में भी फोर दूसरे में हो गए एक वेल अब लेकिन टू ऊपर में भी है नीचे में भी फोर भी ऊपर है नीचे भी फोर है सिक्स ऊपर भी है नीचे भी है एट ऊपर भी है नीचे भी है तो इसमें एलिमेंट्स जो है वो भी बराबर होने चाहिए और कॉर्डिनल नंबर भी बराबर होना चाहिए लेकिन ऑर्डर जरूरी नहीं है ऊपर टू फोर सिक्स एट है नीचे एट फोर सिक्स टू है तो ऑर्डर यहाँ पे जरूरी नहीं है अब आता है अनक्वल सेट्स।, सेट्स नाम से पता चल रहा है अब वो दो uh, सेट्स अन होंगे जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे सेम नहीं होंगे जैसे फॉर एग्जांपल ए मेरे पास है एक सेट बी दूसरा सेट। ए में है टू फोर सिक्स और एट ठीक है बी में हमारे पास सपोज और एलिमेंट्स हैं फोर सिक्स एट एंड टेन अब देखो अब यहाँ पे अन पहले में चार एलिमेंट्स हैं और दूसरे में दूसरे में पहले में हमारे पास चार एलिमेंट्स हैं और दूसरे में भी चार है अब आप बोलोगे ये अनइक्वल क्यों है लेकिन ऊपर के एलिमेंट्स बी में टेन है ए में टेन नहीं है जो इसमें एलिमेंट्स अंदर हैं वो सेम नहीं है दैट मीन्स ये अन सेट हुआ ठीक है अब आता है ओवरलैपिंग सेट ओवरलैपिंग सेट वो दो सेट्स होते हैं अगर उसमें एट लीस्ट एक एलिमेंट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए अब देखो एक एक एलिमेंट सेम दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट एक होना चाहिए कैसे आपको मैं ये अंडरस्टैंड करवाती हूँ तो सपोज मेरे पास ए एंड बी है ठीक है अब ए मेरे पास ए uh, में सपोज तीन एलिमेंट्स हैं वन कामा टू कामा थ्री एंड बी में टू हैं दैट इज थ्री कामा फोर कामा फाइव ये जो थ्री कामा फोर कामा फाइव ये किस सेट में है ये रोस्टर फॉर्म में है ठीक है तो वन टू और थ्री बी में है थ्री फोर और फाइव ए में भी थ्री है बी में भी थ्री है तो एट लीस्ट वन एलिमेंट इन दोनों का मैच हो गया तो इस सेट को हम बोलेंगे दीज सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट्स नाइन्थ वाला आ गया हमारे पास डिस् ज्वाइन सेट डिस्ट ज्वाइंट सेट वो सेट होता है जहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो जैसे ए सपोज मेरे पास ए में कुछ एलिमेंट जो होंगे वो बी में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए जैसे ए के एलिमेंट्स हैं सपोज वन टू एंड थ्री ठीक है मैंने सपोज एक सेट लिया है ए उसके एलिमेंट्स हैं वन टू एंड थ्री बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास फोर फाइव सिक्स तो ए के एलिमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं बी के एलिमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं मैच नहीं कर रहे हैं तो ये दो सेट्स हुए डिसजॉइंट सेट्स तो ये आपके बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन किए हैं आई होप आपको अंडरस्टैंड होगी कोई भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें आपको नए नए अपडेट्स मिलते जाएंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी